All right, friends. So now we are starting a very, very important part. And now this is your concept of machine hour rate. Okay. Solution में आपको दे रखा है. This is your at solution book पे आपको दे रखा है. Page number 3.10. And this is your concept of machine hour rate. Okay. Now machine hour rate equal to means आपका एक घंटे का, अगर आप 1 hour अपनी मशीन यूज करते हो तो उसका एक घंटे का क्या कॉस्ट है वो आपको निकालना है. दैट इज अ मशीन आवर रेट. सो यू कैन टेक दिस टोटल मशीन एक्सपेंस डिवाइडेड बाई टोटल मशीन आवर्स. एक आपका रहता है सेटअप टाइम, दिस इज योर सेटअप टाइम, और एक आपका रहता है फ्रेंड्स प्रोडक्टिव टाइम और प्रोडक्शन टाइम. सपोज अगर मैं आपको बोलता हूं कि आप डीकेसी के नोट्स प्रिंट करिए, बराबर, तो डीकेसी के नोट अगर आप प्रिंट करेंगे तो आप कंप्यूटर को कैसे यूज करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सर्च वेर इज डीकेसी, डीकेसी में वेर इज इंटर, इंटर में वेर इज FM. ओके, तो ये आपका क्या हो गया सेटअप टाइम. और एक बार आपका सेट हो गया देन यू टेक द प्रिंट आउट, दैट इज अ प्रोडक्शन टाइम. दोनों मिलके आपके क्या होंगे टोटल मशीन आवर, इसको बोलते हैं प्रोडक्टिव मशीन आवर. प्रोडक्टिव में दोनों है, सेटअप भी है और प्रोडक्शन भी है. एंड देन यू टेक टोटल एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस के लिए. अब डीकेसी मैं आपको क्या इसमें हेल्प कर सकता हूं, डीकेसी आपको इसमें क्या हेल्प करेगा, मैं आपको इसमें हेल्प करूंगा कि भाई पहले अगर एक्सपेंस पर आवर बेसिस पे पेबल है तो यू टेक सेपरेटली. अगर आपका पर आवर बेसिस पे एक्सपेंस पेबल है तो यू टेक सेपरेटली. अगर वो पर आवर पे पेबल नहीं है तो यू टेक सेपरेटली. जैसे सपोज मैं आपको बताता हूं, अगर आपको मैं पूछता हूं कि दिस इज योर स्टेप नंबर वन एंड स्टेटमेंट शोइंग मशीन आवर रेट, स्टेटमेंट शोइंग मशीन आवर रेट. वन इज सपोज योर प्रोडक्टिव एंड वन इज सपोज योर सेटअप. मैंने आपको बताया दोनों ही आपके प्रोडक्टिव टाइम होंगे, वन इज ए प्रोडक्टिव एंड वन इज ए सेटअप. अब इसमें क्या होगा, सम ऑफ द एक्सपेंसेस आर पेबल ऑन द बेसिस ऑफ आवरली. जैसे सपोज वेजेज है, वेजेज आपको बोलता है आरली है, तो डायरेक्टली यू टेक इन दिस. सपोज पावर का कॉस्ट है सपोज दिस. नाउ सम ऑफ द एक्सपेंसेस आर पेबल ऑन द बेसिस ऑफ मंथली, ईयरली, क्वार्टरली. सम ऑफ द एक्सपेंसेज आर पेबल ऑन द बेसिस ऑफ मंथली, ईयरली, क्वार्टरली. उसके लिए यू प्रिपेयर द अलग से नोट. इट मीन्स मशीन एक्सपेंस पर आवर, रिफर दिस इज नोट नंबर ए. ये आपका तीनों मिलके आपका हो जाएगा मशीन कॉस्ट पर आवर, तीनों मिलके आपका हो जाएगा मशीन कॉस्ट पर आवर. ओके, नाउ मशीन एक्सपेंस, इट मीन्स दिस इज योर नोट नंबर ए, इज ए मशीन एक्सपेंस पर आवर इक्वल टू टोटल मशीन एक्सपेंस डिवाइडेड बाय टोटल मशीन आवर्स. ओके, नाउ टोटल मशीन एक्सपेंस, दिस इज योर टोटल मशीन एक्सपेंस. जो भी एक्सपेंसेस आपके रेंट, इंश्योरेंस, टैक्सेस, सुपरवाइजर सैलरी, डेप्रिसिएशन, जो भी रहेगा टोटल यू टेक. देन यू टेक टोटल मशीन आवर्स डिवाइड इन टू, वन इज ए प्रोडक्टिव, वन इज ए सेटअप. प्रोडक्टिव सेटअप, ये आपके दोनों आवर्स हो जाएंगे, प्रोडक्टिव एंड सेटअप. ये आपका एक्सपेंस हो जाएगा, उसको डिवाइड करेंगे आपका क्या आएगा मशीन एक्सपेंस पर आवर. वो आपका क्या आ जाएगा मशीन एक्सपेंस पर आवर. वो मशीन एक्सपेंस आप यहां ले लो, ये आपका एड हो जाएगा. सम्स करेंगे तो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा. ओके, तो पहला आप देखिए जरा, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर नाइन पेज नंबर 19 एंड दिस इज फ्रॉम क्वेश्चन बुक. एंड क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर
3.10 and this is from solution book. ये आपका question book, ये आपका solution book. Now, X Limited having 15 different type of automatic machine. X Limited having 15 different types of automatic machines furnishes information for the year 2016 and 17. This is 16-17 में अपने पास total 15 machines हैं. कितनी मशीन है फ्रेंड्स बोलो, कैसे पता चला? गिवन. नाउ ओवरहेड एक्सपेंस फैक्ट्री रेंट 96,000, फ्लोर एरिया 80,000 स्क्वायर फीट, हीट एंड गैस 45,000, सुपरविजन 120,000, वेजेज ऑफ द ऑपरेटर्स आर 48 rupees पर डे फॉर 8 hours. ही अटेंड टू वन मशीन व्हेन इट इज अंडर सेटअप एंड टू मशीन्स व्हाइल दे आर अंडर ऑपरेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ मशीन बी. नाउ अभी अपन को आउट ऑफ 15 में एक मशीन है आपकी बी. 2016-17 का आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपके पास टोटल 15 मशीन है, उसमें से आपको मशीन बी के बारे में भी इंफॉर्मेशन है. इन रेस्पेक्ट ऑफ मशीन बी वन ऑफ द अबव, इन 15 में से एक अपने पास मशीन बी है. द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर फर्निश्ड, कॉस्ट ऑफ मशीन 45,000, लाइफ ऑफ मशीन 10 ईयर, स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ लाइफ इज 5,000. एनुअल एक्सपेंसेस ऑन स्पेशल इक्विपमेंट अटैच टू द मशीन आर एस्टिमेटेड टू बी 3,000. एस्टिमेटेड ऑपरेशन टाइम 3600, सेटअप टाइम 400. द मशीन ऑक्यूपाइज 5,000 स्क्वायर फीट ऑफ फ्लोर एरिया. पावर कॉस्ट 2 rupees पर आवर व्हाइल द मशीन इन ऑपरेशन. फाइंड आउट द कॉम्प्रेहेंसिव मशीन आवर रेट फॉर मशीन बी. आपको मशीन बी का आपको निकालना है पर आवर रेट. ऑल्सो फाइंड आउट मशीन कॉस्ट टू बी एब्जॉर्ब्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ यूज ऑफ मशीन बी ऑन द फॉलोइंग टू वर्क ऑर्डर्स. दो वर्क ऑर्डर है, वर्क ऑर्डर 31, 32. मशीन सेटअप टाइम दे रखा है, मशीन ऑपरेटिंग टाइम दे रखा है, आवर्स दे रखा है, मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट करेंगे. तो सबसे पहले अपने को चाहिए स्टेटमेंट शोइंग मशीन आवर रेट. सबसे पहले अपन करेंगे फ्रेंड्स, दिस इज योर, वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 9. ओके, इट मींस योर स्टेटमेंट शोइंग मशीन आवर रेट. वन इज ए सेटिंग अप एंड सेकेंड इज ए प्रोडक्टिव. ओके, ऑल फिगर्स इन रुपीज. इफ द एक्सपेंस इज पेबल डायरेक्टली ऑन आरली, यू कैन टेक इन दिस. इफ द एक्सपेंस इज पेबल डायरेक्टली ऑन आरली बेसिस, यू कैन टेक इन दिस. अगर आरली बेसिस पे पेबल नहीं है तो क्या करेंगे? Then you go, it means your note number 1. Note number 1, machine expense per hour. Machine expense per hour equal to total machine expense. टोटल मशीन एक्सपेंस, इसके लिए रिपेयर नोट नंबर ए डिवाइडेड बाय टोटल मशीन आवर्स, रिफर नोट नंबर बी. इट मींस योर नोट नंबर 1, मशीन एक्सपेंस पर आर इक्वल टू टोटल मशीन एक्सपेंस नोट नंबर ए, टोटल मशीन आवर्स नोट नंबर बी. सही है सर, दिस इज योर मशीन एक्सपेंस पर आवर, मशीन एक्सपेंस पर आवर. सही है सर, ये आपका यहां पे आ जाएगा. ओके, नाउ यू कम टू नोट नंबर
नोट नंबर ए, स्टेटमेंट शोइंग मशीन एक्सपेंस, स्टेटमेंट शोइंग मशीन एक्सपेंस। नोट नंबर बी, टोटल मशीन आवर्स टू फर्स्ट सेटिंग अप, सेकंड प्रोडक्टिव। इट मींस दिस इज योर नोट नंबर ए, स्टेटमेंट शोइंग मशीन एक्सपेंस, एंड नोट नंबर बी टोटल मशीन आवर्स, मशीन आवर्स सेटिंग अप एंड प्रोडक्ट। सही है सुना, आर यू गेटिंग ऑन ऑल फ्रेंड्स? परफेक्टली क्लियर होना, ये आपको देखना है। पहला, इट मींस फर्स्ट योर स्टेटमेंट शोइंग मशीन आवर रेट, सेटिंग अप टाइम, प्रोडक्टिव टाइम रुपीज रुपीज, देन स्टेटमेंट शोइंग दिस योर मशीन एक्सपेंस पर आवर, टोटल मशीन एक्सपेंस डिवाइडेड बाई टोटल मशीन आवर्स, देन स्टेटमेंट शोइंग मशीन एक्सपेंस नोट नंबर बी टोटल मशीन एक्सपेंस एंड दिस। ओके, आ जाइए फ्रेंड्स, क्या बोल रहे हैं? ए लिमिटेड एंड इंजीनियरिंग कंपनी हैविंग 25 डिफरेंट, सॉरी पहला आप जरा देख लीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 एंड पेज नंबर 19 पे हम लोग ले रहे हैं फ्रेंड्स। X Limited having 15 different types of automatic machine. X Limited having 15 automatic type of machines furnishes information is as under 2016-17. Overhead expense, सबसे पहला आपका factory rent, इसका मतलब hourly basis पे payable नहीं है, factory rent। आ जाओ इधर, it means first is your फैक्ट्री रेंट, हाउ मच इज द रेंट फ्रेंड्स? 96,000 एंड दिस इज फॉर 80,000 स्क्वायर फीट, 96,000 दिस इज फॉर 80,000 स्क्वायर फीट। देन नंबर टू, योर हीट एंड गैस, हीट एंड गैस, हीट एंड गैस इज 45,000 45,000 एंड वी हैव गॉट 15 मशीन, दिस इज फॉर 15 मशीन, तो 3,000 रुपीज आपका किसके लिए हो जाएगा? दिस इज फॉर स्टेटमेंट शोइंग मशीन एक्सपेंस फॉर फॉर मशीन, मशीन बी, स्टेटमेंट शोइंग मशीन एक्सपेंस फॉर मशीन बी 2016 and 17, 3,000, ओके। देन सुपरवाइजर सैलरी, दिस इज सुपरविजन इज 1,20,000 डिवाइडेड बाय 15 एंड दिस कम्स टू 8,000। वेजेज ऑफ द ऑपरेटर इज 48 रुपीज पर आवर, देखो अब आर्ली बेसिस पे आ जाइए आप। वेजेज ऑफ द ऑपरेटर आर 48 रुपीज पर डे 8 आवर्स, ही अटेंड्स टू वन मशीन व्हेन इट इज अंडर सेटअप and two machine while they are under operation. It means number one, wages 48 rupees per hour divided by 8 hours. It means 6 rupees per hour. It means 48 rupees we are paying for 1 hour and one day. 48 rupees we are paying per day. Wages of operator are 48 rupees per day. For 8 hours, he attends to one machine when it is under setup. मतलब setup में रहेगा तो एक घंटे में एक ही machine attend कर सकते हैं. Setup and two machine while they are under operation. It means 48
डिवाइडेड बाय 8 1 आवर का रेट इनटू 1/2 ही कैन अटेंड टू टू मशीन व्हाइल दे आर अंडर ऑपरेशन. वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द कॉस्ट. स्टेटमेंट शोइंग मशीन आवर रेट. कौन सा मशीन है आपका? दिस इज योर मशीन बी. एक मशीन का कॉम्प्रेहेंसिव मशीन आवर रेट आपका क्या है वो आपको निकालना है. 48 रुपीज फॉर 8 आवर्स. ओके 48 रुपीज फॉर 8 आवर्स. 48 रुपीज फॉर 8 आवर्स राइट. ही कैन अटेंड टू मशीन. इट मींस 48 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 2 इट मींस 3 रुपीज. अगर वो ऑपरेशन करता तो ही कैन अटेंड टू मशीन. सो व्हाट इज द कॉस्ट पर मशीन पर आवर इज 3. एंड अगर वो सेटअप में तो ही कैन अटेंड ओनली वन मशीन. तो व्हाट इज द कॉस्ट पर मशीन पर आवर इज 6 रुपीज. सेटअप में खाली एक ही मशीन अटेंड कर सकता है तो एक घंटे का पेमेंट कितना है 6 रुपीज. नाउ वर्कर को वी आर पेइंग 6 रुपीज बट ही कैन अटेंड टू मशीन व्हाइल अंडर ऑपरेशन. इट मीन व्हाट इज द कॉस्ट पर मशीन पर आवर 3 रुपीज. इन रेस्पेक्ट ऑफ मशीन बी वन ऑफ द अबव द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कॉस्ट ऑफ द मशीन. इसका मतलब डेप्रिसिएशन. When can you claim the depreciation when the assets is put to use? Depreciation. 45.5 divided by 10 years. 45.5 divided by 10 years is 4000. Annual expenses of special equipment attached to the machine are annual expenses. 5 is a annual expenses. What are the annual expenses is 3000. What are the annual expenses is 3000. Estimated operating time 3600 hours and setup time 400 hours. It means total hours will be सब कुछ तो आपको प्रिंटेड फॉर्म में मैंने दे रखा. जस्ट यू कॉन्सेंट्रेट कि मैं कैसे फिगर्स को डिराइव कर रहा हूं. एस्टिमेटेड ऑपरेटिंग टाइम 3600 व्हाइल द सेटअप टाइम इज 4000. सही है सुनो. इट मींस यहां पे क्या आ जाएगा आपका 4000 आवर्स. रिफर नोट नंबर बी. दिस इज व्हाट योर नोट नंबर बी. नोट नंबर बी से आपका कितना हो गया 4000 3600. ओके अच्छा. एंड वी आर यूजिंग 5000 स्क्वायर फीट. इट मींस 5000 स्क्वायर फीट 96000 डिवाइडेड बाय 80 इनटू 5 इज 6000. सो योर टोटल एक्सपेंस विल बी 6000 प्लस 3000 प्लस 8000 प्लस 4000 प्लस 3000 इज 24000. It means 24000 divided by 4000 is 6 rupees per hour. So your machine expense will be your machine expense. Refer your note number 1 is 6 rupees per hour. ओके उसके अलावा पावर कॉस्ट इज 2 रुपीज पर आवर व्हाइल मशीन इज अंडर ऑपरेशन. इट मींस योर पावर कॉस्ट सेटअप में नो पावर इज रिक्वायर्ड एंड हियर 2 रुपीज पर आवर. इट मींस दिस इज योर मशीन आवर रेट. It means 6 plus 6 is 12, 3 plus 6 plus 2 is 11. सही है सुनो फ्रेंड्स. तो पहले हम लोगों ने क्या किया फ्रेंड्स? फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द स्टेटमेंट शोइंग मशीन आवर रेट, मशीन बी, सेटिंग अप टाइम, प्रोडक्टिव टाइम. पहला हम लोगों ने क्या ले लिया फ्रेंड्स? वेजेस. वेजेस आपको दे रखा था पर आर, इसके लिए ये स्टेटमेंट में ले लिया. नाउ सम ऑफ द मशीन एक्सपेंसेस. मशीन एक्सपेंस के लिए हम लोगों ने क्या किया? नोट नंबर 1. नोट नंबर 1 इज व्हाट? मशीन एक्सपेंस पर आवर. इट मींस टोटल मशीन एक्सपेंस डिवाइडेड बाय टोटल मशीन आवर्स 6 रुपीज. 24000 4000 आवर्स.
24,000 इट मीन आपका फैक्ट्री रेंट था, देन आपका हीट एंड लाइट, वी आर डूइंग ओनली फॉर मशीन बी, दिस इज फॉर ऑल द मशीन, कॉमन एक्सपेंसेस 8,000, 4,000, 3,000, 24 और टोटल आवर्स 4,000 आपका ये आ गया। इट मीन्स योर मशीन आवर रेट विल बी, योर मशीन आवर रेट विल बी 12 रुपीज वेन अंडर ऑपरेशन एंड 11 रुपीज वेन अंडर प्रोडक्शन। ओके, नाउ व्हाट आर दे आस्किंग फ्रेंड्स, तो पहला आपका आंसर हो गया, फर्स्ट आपका आंसर हो गया, ए लिमिटेड एंड इंजीनियरिंग कंपनी हैविंग 25 डिफरेंट ऑटोमेटिक मशीन फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर मशीन बी, फॉर मशीन बी वेजेज ऑपरेटर है आपका ये है ये है ये, प्रिपेयर शेड्यूल ऑफ मशीन आवर रेट, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द फॉलोइंग जॉब। अब अपने को जॉब का भी कॉस्ट निकालना है। ओके, सो दिस इज योर प्रिपेयर शेड्यूल ऑफ सोइंग मशीन आवर रेट एंड फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द फॉलोइंग जॉब, प्रिपेयर शेड्यूल सोइंग मशीन आवर रेट, सो दिस इज व्हाट योर मशीन आवर रेट, व्हेन मशीन अंडर सेटअप द कॉस्ट रहेगा 12 रुपीज, व्हेन अंडर ऑपरेशन कॉस्ट रहेगा 11 रुपीज। नाउ प्रिपेयर शेड्यूल ऑफ मशीन आवर रेट एंड फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द फॉलोइंग जॉब, इट मींस दिस इज योर आंसर नंबर टू, और यू कैन राइट आंसर नंबर पार्ट टू। स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग मशीन कॉस्ट, राइट, फर्स्ट इज ए अंडर सेटअप मशीन कॉस्ट, दिस इज वर्क ऑर्डर, वर्क ऑर्डर थर्टी वन, वर्क ऑर्डर थर्टी टू, वर्क ऑर्डर थर्टी वन, वर्क ऑर्डर थर्टी टू, फर्स्ट इज ए सेटअप कॉस्ट, व्हाट इज द सेटअप आवर्स 10 आवर्स एंड 20 आवर्स गिवन इन द क्वेश्चन फ्रेंड्स, एंड सेकंड इज ए मशीन ऑपरेशन कॉस्ट, मशीन ऑपरेशन कॉस्ट 90 आवर्स एंड 180 आवर्स। नाउ व्हाट इज द कॉस्ट पर आवर, कॉस्ट पर आवर हम लोगों ने निकाला था 12 रुपीज व्हाइल सेटअप, 11 रुपीज व्हाइल अंडर ऑपरेशन, इज योर 90 आवर्स, सही आंसर है फ्रेंड्स, 12 रुपीज, 12 रुपीज अंडर सेटअप, 11 रुपीज अंडर ऑपरेशन, इट मींस 10 इंटू 12 इज 120, 20 इंटू 12 इज 240, 90 इंटू 11 990, 180 इंटू 11 1980, 120 प्लस 990 1110, 240 प्लस 1980 इज 2220, दिस विल बी योर टोटल कॉस्ट ऑफ द जॉब, सही है, दिस इज योर पार्ट टू, व्हाट आर दे आस्किंग फ्रेंड,
ऑल्सो पावर कॉस्ट मशीन इन ऑपरेशन फाइंड आउट द कॉम्प्रेंसिव मशीन आवर रेट फाइंड आउट द कॉम्प्रेंसिव मशीन आवर रेट ऑफ मशीन बी ऑल्सो फाइंड आउट द मशीन कॉस्ट टू बी एब्जॉर्ब इन रेस्पेक्ट ऑफ यूज ऑफ मशीन बी ऑन द फॉलोइंग टू वर्क ऑर्डर तो टू वर्क ऑर्डर में आपका कॉस्ट टोटल ये आ जाएगा सही है सुनो तो जो एक्सपेंसेस आवरली बेसिस पे पेबल है आई हैव टेकन सेपरेटली ताकि देर इज नो कंफ्यूजन बच्चे लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं किसको मल्टीप्लाई करने का किसको डिवाइड कर जो एक्सपेंसेस आवरली बेसिस पे पेबल है वो आपने ये ले लिए जो एक्सपेंस आवरली पे नहीं है जो एक्सपेंस आवरली पे नहीं है वो आपने ये ले लिए सही है सुनो परफेक्टली क्लियर हो जो एक्सपेंस आवरली पर नहीं है वो आपने ये ले ली सही है सुनो परफेक्टली क्लियर होना अब सिमिलर टाइप में आपको और एक कराता हूं तो थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा आपको ना नाउ यू रिफर योर क्वेश्चन नंबर 10 योर क्वेश्चन नंबर टेन पेज नंबर 20 फ्रॉम क्वेश्चन बुक क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 3.12 फ्रॉम सॉल्यूशन बुक क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 20 फ्रॉम क्वेश्चन बुक क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 3.12 फ्रॉम सॉल्यूशन बुक सही है सुनो फ्रेंड सही है सुनो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 20 फ्रॉम क्वेश्चन बुक राइट ए लिमिटेड एंड इंजीनियरिंग कंपनी हैविंग 25 डिफरेंट ऑटोमेटिक मशीन्स वहां पे क्या था प्रीवियस सम में कितने थे 15 मशीन्स थे यहां पे कितने मशीन्स हैं यहां पे या वहां पे 15 थे यहां पे कितने मशीन है 25 ए लिमिटेड एंड इंजीनियरिंग कंपनी हैविंग 25 डिफरेंट ऑटोमेटिक मशीन फर्निशेज यू द फॉलोइंग डाटा फॉर द ईयर 2016 एंड 17 इन रेस्पेक्ट ऑफ मशीन बी इन रेस्पेक्ट ऑफ मशीन बी कॉस्ट ऑफ द मशीन लाइफ 10 इयर्स इज 50,000 स्क्रैप वैल्यू जीरो ओके ओवरहेड एक्सपेंसेस आर फॉर द फैक्ट्री फैक्ट्री रेंट 50,000 हीट एंड लाइट 40,000 सुपरविजन 150,000 रिजर्व फॉर इक्विपमेंट बी मशीन बी इज 5,000 एरिया ऑफ फैक्ट्री 80,000 एरिया ऑक्यूपाइड 3,000 पावर कॉस्ट 50 पैसे व्हेन इन अंडर ऑपरेशन वेजेज ऑफ द ऑपरेटर इज 24 रुपीज पर डे फॉर 8 आवर्स इंक्लूडिंग ऑल द बेनिफिट ही अटेंड्स टू वन मशीन व्हेन इट इज बीइंग सेटअप एंड टू मशीन व्हाइल दे आर अंडर ऑपरेशन एस्टिमेटेड प्रोडक्टिव आवर्स 3600 सेटिंग अप टाइम 400 सही है सुनो फ्रेंड एस्टिमेटेड सेटअप टाइम इज 400 एस्टिमेटेड सेटअप टाइम इज 400 प्रिपेयर ए शेड्यूल ऑफ मशीन आर रेट एंड फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द फॉलोइंग जॉब सेटअप टाइम 80-40 ऑपरेटिंग टाइम 130-160 प्रिपेयर ए शेड्यूल ऑफ मशीन आवर रेट इट मींस एक घंटे का मशीन का क्या रेट है और फिर जॉब मतलब सिमिलर टाइप ही है पहला जो किया तो मैंने क्या फॉर्मेट आपको बताया था गुप एकदम सिस्टमेटिक स्टेप नंबर वन स्टेप नंबर वन फ्रेंड्स दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग मशीन एक्सपेंस पर आवर या मशीन आप एक्सपेंस कीजिए इसको लिख दो कॉस्ट पर आवर मशीन कॉस्ट पर आवर कौन सा है मशीन बी स्टेटमेंट शोइंग मशीन कॉस्ट पर आवर फॉर मशीन बी
ओके फॉर मशीन बी. ऑलराइट फ्रेंड्स, फर्स्ट यू टेक सेटिंग अप टाइम, फर्स्ट यू टेक दिस इज योर सेटिंग अप टाइम एंड देन सेकेंड यू टेक प्रोडक्टिव टाइम. Productive time. Say yes or no. Okay. Then you go. If the expense is payable on hourly basis, we can take this. If the expense is not payable on hourly basis, then you go for next. Say yes or no. If the expense is payable on hourly basis, you can take this. अगर expense hourly basis पर नहीं है तो आपको फिर आगे जाना पड़ेगा. Okay? So then this is your note number one, machine expense per hour. Machine expense per hour. It means machine expense per hour equal to total machine expense. Refer note number A. Then total machine hours, refer note number B. Machine expense per hour equal to total machine expense, note number A divided by total machine hours. Say yes or no, friends. ये आपका आ जाएगा. अगर एक्सपेंस मंथली ईयरली क्वार्टरली दे रखा है तो यू टेक सेपरेटली. अगर आपको आर्ली डायरेक्टली दे रखा है, नहीं तो क्या बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें करके. स्टूडेंट्स आर गेटिंग वेरी मच कंफ्यूज करके ना. तो आप इस तरह से जाइए, आपका काम हो जाएगा. अब आप आ जाइए फ्रेंड्स नोट नंबर नोट नंबर ए. स्टेटमेंट शोइंग टोटल मशीन एक्सपेंस. Statement showing total machine expense, right? Statement showing total machine expense for 2016 and 17. किसके लिए? For machine B. अगर आपके जो भी expenses हैं वो आप देख लीजिए, right? Total machine expenses. Okay, then you go to note number B. Total machine hours. एक setting up, दूसरा प्रोडक्टिव. एक सेटिंग अप एंड दूसरा प्रोडक्टिव. सही आंसर ना फिर परफेक्टली क्लियर होना. वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 10 एंड पेज नंबर 20. ओके, सेटिंग अप ये आपका हो जाएगा. अब आप वन बाय वन ले लीजिए. अगर एक्सपेंस आवरली बेसिस पे पेबल है तो वी कैन टेक हियर.
इफ द एक्सपेंसेस आवरली बेसिस पर पेबल है वी कैन टेक हियर, इफ द एक्सपेंस आवरली बेसिस पर नहीं है तो यू मेक द नोट टू नोट्स राइट वन बाय वन. ए लिमिटेड एंड इंजीनियरिंग कंपनी, ए लिमिटेड इज ए लिमिटेड एंड इंजीनियरिंग कंपनी हैविंग 25 डिफरेंट ऑटोमेटिक मशीन्स फर्निश यू द फॉलोइंग डाटा फॉर द ईयर 2016-17 इन रेस्पेक्ट ऑफ मशीन बी. कॉस्ट ऑफ द मशीन इट मींस डेप्रिशिएशन. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द मशीन? 50,000. स्क्रैप वैल्यू 0. लाइफ 10 इयर्स इज 5,000. Overhead expenses are for the factory rent is 50,000. Factory rent is 50,000. 50,000 is for 25 machine. It means we are doing only for machine B. इसका मतलब एक मशीन के लिए क्या हो जाएगा? 50,000 divided by 25 is 2,000. हीटिंग एंड लाइटिंग, हीटिंग एंड लाइटिंग इज 40,000 फॉर 25 मशीन. 40,000 फॉर 25 मशीन इज 1,600. ओके. सुपरवाइजर 1,50,000 डिवाइडेड बाय 25 इज 6,000. रिजर्व फॉर इक्विपमेंट फॉर मशीन बी इज 5,000. एरिया ऑफ द फैक्ट्री इज 80,000 स्क्वायर फीट. ओके. फैक्ट्री रेंट 50,000. नो फैक्ट्री रेंट गलत ले लिया. फैक्ट्री रेंट एरिया के हिसाब से जाएगा. फैक्ट्री रेंट 50,000 इज फॉर 80,000 एंड वी आर यूजिंग द एरिया ऑफ 3,000. 50,000 इज फॉर 80,000, वी आर यूजिंग द एरिया ऑफ 1,875. वेजेस ऑफ ऑपरेटर 24 रुपीज. सिमिलर सम है पहले जैसा. वेजेस ऑफ ऑपरेटर 24 रुपीज फॉर 8 आवर्स. 24 डिवाइडेड बाई 8 इज 3 रुपीज पर आवर. 24 बाई 8 इंटू 1 बाई 2 इज 1.5. क्या बोल रहा है? वेजेज ऑफ ऑपरेटर इज 24 रुपीज पर डे ऑफ 8 आवर्स इंक्लूडिंग ऑल बेनिफिट्स. ही अटेंड्स टू वन मशीन व्हेन इट इज बीइंग सेट अप एंड टू मशीन व्हाइल अंडर देयर ऑपरेशन. ओके. व्हाइल दे आर अंडर. एस्टिमेटेड प्रोडक्टिव टाइम इज 3,600 एंड दिस इज 400 एंड टोटल इज 4,000. ओके. Total is 4,000 and this total expense will be 5,000 plus 1,875, 1,600, 6,000, 5,000 is 19,475. Okay, it means 19,475 divided by 4,000. Divided by 4,000 is 4.87. So machine expense per hour refer note number 1 is 4.87. And उसके अलावा दे दीजिए पावर कॉस्ट 2 रुपीज पर आवर. व्हाट इज द पावर कॉस्ट?
50 पैसे पर आवर, पावर कॉस्ट इज 50 पैसे पर आवर ओनली व्हेन देयर इज ए प्रोडक्टिव, रखा ना फ्रेंड्स, पावर कॉस्ट इज एरिया ऑक्यूपाइड के बाद दे रखा ना 3000 के बाद, पावर कॉस्ट 50 पैसे वाई दे आर अंडर ऑपरेशन, इट मीन्स 3 + 4.87 इज 7.87, 1.5, 4.87 एंड 0.5 इज 6.87. ओके, दिस इज योर मशीन कॉस्ट पर आवर, मशीन कॉस्ट पर आवर 7.87, 6.87, सही आंसर ना, परफेक्टली आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये आपका हो गया पर आर का कॉस्ट, अगर सेटअप में तो ये है, और अब इसको सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दो वर्क ऑर्डर से, राइट? कौन कौन से जॉब है अपने पास? अपने पास है जॉब नंबर, अपने पास है जॉब नंबर, जॉब नंबर 1102 एंड जॉब नंबर 1308, उससे मल्टीप्लाई कर दो, इट मीन्स स्टेटमेंट शोइंग मशीन कॉस्ट, स्टेटमेंट शोइंग मशीन कॉस्ट, जॉब 1102, जॉब 1308 रुपीस, ओके। फर्स्ट इज ए सेटअप कॉस्ट, इट मींस योर सेटअप आवर्स 80 एंड 40। सेकेंड इज ए ऑपरेटिंग ऑपरेशन आवर्स, इट मींस ऑपरेशन कॉस्ट, व्हाट इज द ऑपरेशन कॉस्ट इज 130 आवर्स, 160 आवर्स, कॉस्ट पर आवर हियर 7.87, 7.87 हियर 6.87 एंड 6.87 निकाला था ना फ्रेंड्स अभी अपन ने, 7.87 सिंपली मल्टीप्लाई कर दो आप, दैट्स इट, 80 × 7.87, 629.6, 40 × 7.87, 314.8, 130 × 6.87, 893.1, 160 × 6.87 is 1099.2, 629.6 + 893.1 is 1,522.7, then 314.8 + 1,099.2 is 1,1414. Say yes. 160 × 6.87 is 108. Yes or no? ये आपका सिंपली आपने मल्टीप्लाई कर दिया किससे? कॉस्ट से, जॉब कॉस्ट से, जॉब आर से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, आपको कॉस्ट आ जाएगा, जॉब आर से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, आपका कॉस्ट आ जाएगा, सही है? सुनो फिर, परफेक्टली क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सही है, सुनो फिर, ओके, परफेक्टली क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप बताइए। प्रॉपर और नॉट बताइए आप फ्रेंड्स। हम्म,
प्रॉपर ओके अच्छा। अब कभी कभी क्या रहता है कि विद द मशीन यू आर यूजिंग सम अदर फैसिलिटीज, जैसे विद द मशीन यू आर यूजिंग क्रेन, विद द मशीन यू आर यूजिंग कंप्यूटर। जैसे सपोज आपके पास दो तरह के रूम है, मैं आपको बोलता हूं आपके पास दो तरह के रूम है, एक है आपके पास नॉन एसी रूम और एक है आपका एसी का रूम। अब मैं आपको बोलता हूं कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एसी का रूम एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ नॉन एसी रूम। आपको मैं पूछता हूं व्हाट इज द एसी का कॉस्ट का रूम, व्हाट इज द नॉन एसी के कॉस्ट का रूम, राइट। तो पहले तो आप रूम का कॉस्ट निकाल लो, रूम का कॉस्ट तो दोनों में लगेगा, नॉन एसी है चाहे एसी है, दोनों में रूम का कॉस्ट तो लगेगा। देन यू सेपरेटली कॉस्ट कैलकुलेट द एसी का कॉस्ट, एसी का कॉस्ट यहां नहीं लगेगा, यहां लगेगा और ये आपका हो जाएगा। अगर आपको नॉन एसी चाहिए तो आपको ये कॉस्ट आएगा, अगर आपको एसी के साथ चाहिए तो ये प्लस ये दोनों कॉस्ट आ जाएगा। देखो सिंपल करना इंपॉर्टेंट है चीज को, अगर जितना आप सिंपल करोगे उतना मजा आएगा क्वेश्चन को करने में। आपको सिंपल करना है, इट मींस ऐसे जैसे ये रूम है, अगर आपको खाली रूम का चाहिए तो रूम तो दोनों में यूज हो रहा है, अगर आपको एसी के साथ चाहिए तो एसी का कॉस्ट और ऐड कर दो सेपरेटली। अब एसी का कॉस्ट आप निकाल लो, रूम का कॉस्ट आप निकाल लो, विद एसी है तो रूम का कॉस्ट एसी का कॉस्ट दोनों को ऐड करके ले लो आप। सही है सोनू फ्रेंड, ऐसे कंप्यूटर यूज होगा, कभी क्रेन यूज होगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। सही है सोनू फ्रेंड, परफेक्टली क्लियर होना। अब आप देखिए जरा योर क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 21 क्वेश्चन बुक, क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 3.13 इज सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 21 क्वेश्चन बुक, क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 3.13 सॉल्यूशन बुक ओके। अब आप बताइए फ्रेंड्स, देख लीजिए जरा क्वेश्चन नंबर 11। जेमिनी एंटरप्राइजेस अंडरटेक्स थ्री डिफरेंट जॉब ए बी एंड सी, जेमिनी एंटरप्राइजेस अंडरटेक्स थ्री डिफरेंट जॉब ए बी एंड सी, ऑल ऑफ देम रिक्वायर द यूज ऑफ स्पेशल मशीन एंड ऑल्सो द यूज ऑफ अ कंप्यूटर, द कंप्यूटर इज हायर्ड एंड द हायर चार्जर वर्कआउट टू 420,000 रुपीज पर एनम, 420,000 रुपीज पर एनम। द एक्सपेंस रिगार्डिंग मशीन आर एस्टिमेटेड एज फॉलोज, रेंट ऑफ द क्वार्टर, डेप्रिसिएशन पर एनम, इनडायरेक्ट चार्जेस पर एनम। ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ ऑपरेशन द फॉलोइंग डिटेल्स वर अंडरटेकन फ्रॉम द जॉब रजिस्टर, नंबर ऑफ आवर्स द मशीन वॉज यूज, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मशीन आवर रेट फॉर द फर्म एज ए होल मंथ वेन द कंप्यूटर वॉज यूज वेन द कंप्यूटर वॉज नॉट यूज फॉर द इंडिविजुअल जॉब ए बी एंड सी, जॉब ए बी सी, नंबर ऑफ आवर्स द मशीन वॉज यूज विदाउट द यूज ऑफ कंप्यूटर, विद द यूज ऑफ कंप्यूटर, विदाउट द यूज ऑफ कंप्यूटर एंड विद द यूज ऑफ कंप्यूटर। सही है सुनो, विदाउट द यूज ऑफ कंप्यूटर एंड विद द यूज ऑफ कंप्यूटर। All right, friends. So, number of hours the machine was used without the use of computer. A, B, and C. A job mein 600, B job mein 900, C mein 0. B, with the use of computer, 400 for A, 600 for B, 1000 for C. Ye aapko de rakha hai. Sahi hai, suno friends. Aapse pucha gaya hai, you are required to compute the machine hour rate for the firm as a whole month when the computer was used, when the computer was not used, okay, for the individual job, when the computer was not used and when the computer was used, okay, and for individual job भी आपसे पूछा गया। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि भाई एक तो हम निकाल लेते हैं मशीन आवर रेट, एक तो हम निकाल लेते हैं मशीन आवर रेट, एक हम निकाल लेते हैं कंप्यूटर आवर रेट। तो कंप्यूटर को अगर मशीन में एड कर देंगे तो विद द यूज आ जाए, विद कंप्यूटर आ जाएगा, और नहीं तो मशीन आवर रेट है आपका, ओके। तो कैसे करेंगे फ्रेंड्स, देखो जरा सॉल्यूशन बुक आप जरा देखिए, सॉल्यूशन बुक पर मैंने आपको दे रखा 3.13, इसी जो क्वेश्चन बुक
क्वेश्चन नंबर 11 3.13 इट मींस योर स्टेटमेंट शोइंग मशीन आवर रेट. स्टेटमेंट शोइंग मशीन आवर रेट. स्टेटमेंट शोइंग मशीन आवर रेट. When computer was not used, when the computer was used. सही है सर ऑप्शन दे. पहले आ जाएगा आपका मशीन आवर रेट रिफर नोट नंबर 1 एंड सेकेंड कंप्यूटर आवर रेट. This is your note number 2. मिलके आपका हो जाएगा मशीन आवर रेट. मशीन आवर रेट नोट नंबर 1 फ्रेंड्स. दिस इज योर मशीन आवर रेट नोट नंबर 1. देन कंप्यूटर आवर रेट नोट नंबर 2. एंड टोटल मिलके आपका हो जाएगा मशीन आवर रेट. दिस इज योर रुपीस एंड दिस इज योर रुपीस. ठीक है अब आप आ जाइए फ्रेंड्स. फर्स्ट इज ए योर नोट नंबर 1. नोट नंबर 1 इज ए मशीन आवर रेट. मशीन आवर रेट इट मीन्स योर टोटल मशीन एक्सपेंसेस. योर टोटल मशीन एक्सपेंसेस. टोटल मशीन एक्सपेंसेस रिफर नोट नंबर 1. टोटल मशीन आवर्स रिफर नोट नंबर 2. फर्स्ट लीजिए मशीन एक्सपेंस. टोटल मशीन एक्सपेंस नोट नंबर 1. टोटल मशीन आवर्स नोट नंबर 2. सही है सर. नोट ये आपका आ जाएगा. ओके देन यू गो नोट नंबर 2. नोट नंबर 2 कंप्यूटर आवर रेट. कंप्यूटर आवर रेट इक्वल टू टोटल कंप्यूटर एक्सपेंस. टोटल कंप्यूटर expense divided by total computer hours. Total computer expense divided by total computer hours. सही है सर ना. ओके पहला आपका क्या आ जाएगा नोट नंबर 1 इज ए मशीन आवर रेट. टोटल मशीन एक्सपेंस डिवाइडेड बाय टोटल मशीन आवर्स. ओके सही है सुनो फ्रेंड. नोट नंबर 2 आपका आ जाएगा इज ए कंप्यूटर आवर्स रेट. टोटल कंप्यूटर एक्सपेंस डिवाइडेड बाय टोटल कंप्यूटर आवर्स. ओके
और दोनों को अपन यहाँ पे लिख देंगे तो आपका आंसर फाइनल हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोल रहे फ्रेंड्स अपने से, अब आप आ जाइए, दिस इज योर, ओके। सो फर्स्ट यू टेक टोटल मशीन एक्सपेंस नोट नंबर ए, इट मींस दिस इज योर नोट नंबर ए, स्टेटमेंट शोइंग टोटल मशीन एक्सपेंसेस, ओके, स्टेटमेंट शोइंग टोटल मशीन एक्सपेंसेस, एंड दिस इज बिकॉज मंथली गिवन है इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ, नंबर ऑफ आवर्स मशीन वर यूज, ओके ओके। सो दिस इज फॉर द मंथ, सही है सर, नोट नंबर ए। आप आ जाइए, जेमिनी एंटरप्राइजेस अंडरटेक्स थ्री डिफरेंट जॉब ए बी एंड सी, ऑल ऑफ देम रिक्वायर द यूज ऑफ स्पेशल मशीन एंड ऑल्सो टू बी यूज एज ऑफ कंप्यूटर, द कंप्यूटर इज हायर्ड एंड द हायर चार्जेस वर्कआउट टू 420,000 रुपीज पर एनम, इट मीन्स वी आर पेइंग 420,000 रुपीज पर एनम, डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो अपना पर मंथली आ जाएगा। द एक्सपेंसेज रिगार्डिंग मशीन आर एस्टिमेटेड एज फॉलोज, रेंट, नाउ द एक्सपेंसेज रिगार्डिंग मशीन, मशीन एक्सपेंस, पहला रेंट, रेंट 17,500 डिवाइडेड बाई 3, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन 2 lakhs डिवाइडेड बाई 12, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट चार्जेस 1,50,000 एंड डिवाइडेड बाई 12, इट मीन्स 17,500 डिवाइडेड बाई 3, 5,833.33, 2 lakhs डिवाइडेड बाई 12 इज 16,666.67, 1,50,000 डिवाइडेड बाई 12 इज 12,500, 5,833.33, 16,666.66 and 12,500 comes to 35,000. Say yes or no. Rent for the quarter 17,500. Then depreciation per annum. Rent for the quarter to divided by 3 kar diya. Okay. Depreciation per annum divided by 12. Indirect divided by 12. During the first month of operation, the following details were taken from the job register. Number of hours the machine was used. You are required to compute the machine hour rate for the firm as a whole month, when the computer was used, when the computer was not used, for the individual job A, B and C. Number of hours machine was used without the use of computer and with the use of computer. Okay, it means the total expenses is 35,000. Total expenses is 35,000. Now friends, अब आप जरा ध्यान रखना कि अपना मशीन तो यूज हुआ है विद कंप्यूटर और विदाउट कंप्यूटर। पहला हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, मशीन आवर रेट। मशीन आवर रेट मीन्स टोटल मशीन एक्सपेंस, टोटल मशीन एक्सपेंस 35,000 पर मंथ हो गया। अब वो महीने में अपने को कितने आवर्स यूज हुए, ओके, द नंबर ऑफ आवर्स द मशीन वॉज यूज, ओके, नंबर ऑफ आवर्स द मशीन वॉज यूज विदाउट द यूज ऑफ कंप्यूटर 600 प्लस 900,
900 विद द यूज ऑफ कंप्यूटर 400, 600, 1000 इट मीन्स ए ने यूज किया है मशीन को 600 प्लस 400 बी ने यूज किया है 900 प्लस 600 सी ने यूज किया है 1000 इट मीन्स 600, 400, 900, 600, 1000 35,000 divided by 3,500 is 10. Say yes or no. Okay. And with the use of computer, it means computer use hua hai, only aapka 400 plus 600 plus 1000. It means 420,000 divided by 12 is 35,000, 400 plus 600 plus 1000 is 2000. It means 35,000 divided by 2000 is 17.5. Say yes or no. Okay. So, machine hour rate will be 10 rupees per hour. And computer hour rate is 17.5. With the use of computer, 17.5. So, total will be 27.5. When the computer was used, is only 10 rupees per hour. When the computer was not used, is 27.5. Say yes or no. ये आपका क्या हो गया इंडिविजुअली मशीन आवर रेट मशीन आपने यूज की है तो 10 रुपीज है सेपरेटली हम लोगों ने ले गया कंप्यूटर का कंप्यूटर यूज किया तो 17.5 तो टोटल आपका आ जाएगा 10 रुपीज पर आवर एंड टोटल आपका आ जाएगा 27.5 रुपीज पर आवर 27.5 रुपीज पर आवर ये आपका क्या हो गया मशीन आवर रेट देन दे आर आस्किंग For the firm as a whole month when the computer was used and when the computer was not used. Say yes or no. Ab aap aa jaiye friends. For individual job. It means ab aap aa jaiye next par for individual job okay it means this is your for individual job aap le lijiye this is your answer number b statement showing machine hour rate for individual job. Okay, then job A, job B, and job C. Alright, total machine cost. Okay, it means actual hours into machine cost per hour divided by आपको क्या मिलेगा machine cost divided by
एक्चुअल आवर्स कॉस्ट पर आवर। ओके, अब देखो ए, ए में 600 आवर्स एट द रेट ऑफ 10, ओके, प्लस 400 आवर्स एट द रेट ऑफ 27.5, इतने हिसाब का टोटल कॉस्ट हो जाएगा 400 इंटू 27.5 प्लस 6000 इज 17000, और आपने कितने घंटे काम किया है 1000, तो आपका पर आवर का रेट क्या आएगा 17। इन केस ऑफ बी इट मींस 900 इंटू 10 प्लस 600 इंटू 27.5, 600 इंटू 27.5 प्लस 9000 इज 25500 डिवाइडेड बाय 1500 इज 17। एंड देन सी में 1000 आवर्स इंटू 27.5 डिवाइडेड बाय 1000 विल बी 27.5। स्टेटमेंट शोइंग मशीन आवर रेट फॉर इंडिविजुअल जॉब, टोटल मशीन कॉस्ट। टोटल मशीन कॉस्ट हम लोग कैसे निकालेंगे, एक्चुअल आवर्स इंटू मशीन कॉस्ट पर आ, तो आपका मशीन कॉस्ट आ जाएगा, और मशीन कॉस्ट को वी विल डिवाइड बाय एक्चुअल आवर्स, मशीन कॉस्ट को विल डिवाइड बाय एक्चुअल आवर्स, आपको क्या आ जाएगा मशीन आवर रेट, आपको क्या आ जाएगा बोलो मशीन आवर रेट। इट मींस ये जो आवर्स हैं वो विदाउट कंप्यूटर के थे, ये विद कंप्यूटर के आवर्स थे, टोटल किया टोटल कॉस्ट आ गया आपका डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स करो आपका। सही आंसर परफेक्टली क्लियर होना प्रॉपर सही आसन फ्रेंड्स। और एक सिमिलर टाइप आपको करवाता हूं तो और आपको क्लियर हो जाएगा। यू जस्ट रिफर योर क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 21, दिस इज फ्रॉम क्वेश्चन बुक, क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 3.14 फ्रॉम सॉल्यूशन बुक, क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 21 फ्रॉम क्वेश्चन बुक, क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 3.14 फ्रॉम सॉल्यूशन बुक। ओके, आप जरा देखिए, द फॉलोइंग इज ए शेड्यूल ऑफ एक्सपेंसेस, द फॉलोइंग इज ए शेड्यूल ऑफ एक्सपेंसेस एलोकेटेड टू थ्री मशीन्स ए बी एंड सी। ओके, आपको एक्सपेंसेस सारे दे रखे हैं। इन एडिशन टू दिस एक्सपेंसेस देर वॉज द एक्सपेंस ऑफ ऑपरेटिंग एन ओवरहेड क्रेन, मतलब मशीन के साथ साथ आपको क्या यूज करना है क्रेन, विच वॉज नेसेसरी टू ब्रिंग द हैवी मटेरियल टू द मशीन, दीज एक्सपेंसेज वर एज फॉलो। ये मशीन क्रेन के एक्सपेंसेज आपको दे रखे हैं इज 570, द नंबर ऑफ आवर्स द मशीन वर इन यूज ड्यूरिंग द पीरियड रिप्रेजेंटेड बाय द अबव एक्सपेंडिचर वॉज एज फॉलोज, विद द यूज ऑफ क्रेन, विदाउट द यूज ऑफ क्रेन, कैलकुलेट द मशीन आवर रेट, कैलकुलेट द मशीन आवर रेट, कैलकुलेट द मशीन आवर रेट एप्लीकेबल टू ईच मशीन बिटवीन आवर्स वेन द क्रेन वॉज यूज एंड वेन द क्रेन वॉज नॉट यूज। ओके, सिमिलर टाइप हो गया आपका, एक आप मशीन एक्सपेंस निकाल लो, एक आप क्रेन एक्सपेंस निकाल लो, और मशीन एक्सपेंस के साथ आप क्रेन एक्सपेंस ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, इट मींस फर्स्ट स्टेटमेंट शोइंग मशीन आवर रेट, स्टेटमेंट शोइंग
मशीन आवर रेट। ओके, मशीन ए मशीन बी मशीन सी। विदाउट क्रेन विथ क्रेन। विदाउट क्रेन विथ क्रेन। विदाउट क्रेन विथ क्रेन। ओके, पहले अपन ने क्या किया फ्रेंड्स, स्टेटमेंट शोइंग मशीन आवर रेट, मशीन ए मशीन बी एंड मशीन सी, विदाउट क्रेन विथ क्रेन, विदाउट क्रेन विथ क्रेन, विदाउट क्रेन एंड विथ क्रेन। पहला आप निकाल लीजिए मशीन एक्सपेंस, एकदम सिंपल जाने का, तो नो कंफ्यूजन, मशीन एक्सपेंस सेपरेट, क्रेन एक्सपेंस सेपरेट, तो कभी भी आपको कंफ्यूजन होगा नहीं, मशीन एक्सपेंस रेट सेपरेट और क्रेन एक्सपेंस सेपरेट। सही है सर, मशीन आवर रेट फर्स्ट इज ए मशीन आवर रेट, नोट नंबर वन मशीन आवर रेट, सेकेंड क्रेन आवर रेट, रिफर नोट नंबर टू, दिस इज योर मशीन आवर रेट। इट मीन्स पहले मशीन का ले लो आप राइट, और उसमें क्रेन का कॉस्ट ऐड कर दो तो आपका ये हो जाएगा। अब जैसे विदाउट है तो इसमें क्रेन का कॉस्ट नहीं आएगा, विदाउट है इसमें क्रेन का कॉस्ट नहीं आएगा, विदाउट है इसमें क्रेन का कॉस्ट नहीं आएगा। पहला आप निकालिए, इट मीन्स योर नोट नंबर वन, नोट नंबर वन क्या बोल रहा है, मशीन आवर रेट, मशीन आवर रेट, इट मींस टोटल मशीन एक्सपेंस डिवाइडेड बाय टोटल मशीन आवर्स, टोटल मशीन एक्सपेंस डिवाइडेड बाय टोटल मशीन आवर्स ए बी एंड टोटल मशीन एक्सपेंस डिवाइडेड बाय टोटल मशीन आवर्स। हाँ, टोटल मशीन एक्सपेंस इज ए का 639 गिवन है, बी का 607 गिवन है एंड सी का 951 गिवन है, डिवाइडेड बाय 588 आवर्स गिवन है, देन 707 आवर्स गिवन है, देन 480 आवर्स गिवन है, इट मींस 639 डिवाइडेड बाय 588 इज 1.09, देन 607 डिवाइडेड बाय 700 इज 0.86 गिवन है,
देन 951 डिवाइडेड बाय 480 इज 1.98 गिवन। ये आपका क्या हो गया, मशीन आवर रेट, ओके, विदाउट द यूज ऑफ क्रेन, मशीन आवर रेट ओनली मशीन एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स। मशीन एक्सपेंसेस गिवन है 639 फॉर ए, 607 फॉर बी एंड 951 फॉर सी, डिवाइडेड बाय टोटल मशीन आवर्स है अपने को क्रेन और विदाउट क्रेन, राइट। मशीन तो यूज हुई है ना, विद क्रेन हुई है या विदाउट क्रेन हुई है, आपकी मशीन तो यूज हुई है ना, तो दोनों तरह के आवर्स से डिवाइड कर दिया। इसका मतलब आपका क्या आ जाएगा, मशीन आवर रेट, दिस इज योर मशीन आवर रेट, इट मींस व्हाट इज द मशीन आवर रेट इज 1.09, इट मींस 1.09.86 एंड 1.98, ओके। देन क्रेन, अब आपको निकालना पड़ेगा क्रेन का एक्सपेंस, इट मींस नोट नंबर टू, व्हाट इज द नोट नंबर टू, क्रेन आवर रेट, क्रेन आवर रेट, इट मींस क्रेन एक्सपेंस डिवाइडेड बाय क्रेन आवर्स। क्रेन एक्सपेंस इज 570, क्रेन आवर्स इज विद द यूज ऑफ क्रेन दे रखा ना फ्रेंड्स 160, 130 एंड 480, इट मींस 160, 130, 480 is 770. 570 divided by 770 is 0.74. This comes to 1.09 plus 0.74, 1.83, 0.86, 0.86 plus 0.74, 1.6, 1.98, 1.98 plus 0.74 is 2.72. सही आंसर है। ये आपका आ जाएगा मशीन आवर रेट विदाउट द यूज ऑफ क्रेन, क्रेन का कॉस्ट ऐड कर दिया विद द यूज ऑफ क्रेन, विदाउट द क्रेन, क्रेन का कॉस्ट यूज कर दिया, विदाउट द क्रेन, क्रेन का कॉस्ट यूज कर दिया। तो ये आपसे एक और कंसेप्ट पूछा जा सकता है कि व्हाट इज योर मशीन आवर रेट। तो मशीन आवर रेट में एक तो आपसे सिंपल मशीन आवर रेट मैंने आपको सिखाया, दूसरा विद एनी अदर फैसिलिटी, क्रेन है, कंप्यूटर है, कुछ भी स्पेशल टाइप है तो उसका अलग से कॉस्ट निकाल दो, इसका अलग से कॉस्ट निकाल दो और आपका क्या आ जाएगा, पर आवर कॉस्ट आपका निकल के आ जाएगा, पर आवर कॉस्ट आपका निकल के आ जाएगा। सही है, सुनो, पर आवर कॉस्ट आपका निकल के आ जाएगा। सही है, सुनो, परफेक्टली क्लियर है उन्होंने, ओके। अब फ्रेंड्स आपका और एक कंसेप्ट आता है बहुत अच्छा, उसको हम लोग बोलते हैं आपका एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स, ओके। पहला आप लिख लीजिए फ्रेंड्स, दिस इज एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स, ओके। उसमें सबसे पहले आप ले लीजिए बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स्ड एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स। एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स पहला आपका आ जाएगा बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स्ड, ओके। आपको याद है मैंने आपको फर्स्ट बेसिक लेक्चर में ही सिखाया था, ये एक आपका रहेगा
दिस साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, याद है आपको? देन चेंज इन कॉस्ट, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन प्रोडक्शन, चेंज इन प्रोडक्शन, और तीसरा आपका रहेगा हाई पॉइंट लो पॉइंट, हाई पॉइंट एंड लो पॉइंट, हाई पॉइंट लो पॉइंट, और ये आपका साइमल्टेनियस इक्वेशन हाई पॉइंट लो पॉइंट एंड दिस. सही है सुनो. सो जस्ट यू रिफर योर क्वेश्चन नंबर 13 एंड पेज नंबर 23 फ्रॉम क्वेश्चन बुक. ओके एंड देन क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 3.15 फ्रॉम सॉल्यूशन बुक, सॉल्यूशन बुक एंड क्वेश्चन बुक. ओके क्या बोल रहा है देखिए फ्रेंड. बी एंड कंपनी हैज रिकॉर्डेड द फॉलोइंग डाटा इन द टू मोस्ट रिसेंट पीरियड्स. बी एंड कंपनी हैज रिकॉर्डेड द फॉलोइंग डाटा इन द टू मोस्ट रिसेंट पीरियड्स. टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन. टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज है 14,600, 19,400. वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है 800 एंड 1200. व्हाट इज द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ फर्म्स फिक्स कॉस्ट पर पीरियड. आपको पर पीरियड का फिक्स कॉस्ट निकालना है. पहले मैंने आपको क्या बताया था फ्रेंड, मेथड वन साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, वेयर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू एक्स एंड फिक्स कॉस्ट इक्वल टू वाई. ओके याद आ रहा है आपको? लेट द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बी एक्स एंड फिक्स कॉस्ट इक्वल टू वाई. याद आ रहा है आपको? मैंने फर्स्ट आपको बेसिक लेक्चर में बताया था ये साइमल्टेनियस इक्वेशन. ओके तीन तरह के एक्सपेंस रहेंगे, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम. अगर मेरा 100 यूनिट्स है, 100 कॉस्ट है, इट मींस 1 रुपी पर यूनिट आई कैन से वेरिएबल. फिक्स कॉस्ट रिमेन कॉन्स्टेंट अप टू 100% कैपेसिटी. थर्ड है आपका सेमी वेरिएबल, सम पार्ट इज फिक्स सम पार्ट इज वेरिएबल. ओके सो बी है, सो दिस इज योर 800x plus y equal to 14,600, 1200x plus y equal to 19,400. Y and y get cancelled. So, minus 400x equal to 19,400 minus 14,600 will be 4800, x equal to 12. It means 400 into 12 plus y equal to 14,600. So y equal to 400 into 12 minus 12 rupees aapka variable cost aa gaya friends. Sorry, this is 800 into 12, 9600 minus 14600 is y equal to 5000. ये आपका क्या हो जाएगा? It means best estimate आपका क्या हो सकता है? Is in fixed cost is a 5000. सही है सुनो फ्रेंड्स. पहले हम लोगों ने क्या लिया? Simultaneous equation, variable cost per unit equal to x. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू एक्स एंड फिक्स कॉस्ट इक्वल टू वाई. एक्स प्लस वाई इक्वल टू आपका ये आ जाएगा. सही है सुनो, परफेक्टली क्लियर होना. अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, दिस इज योर नेक्स्ट. अगर आपको लेना है कि सो योर इन दिस पर्टिकुलर केस योर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपका क्या हो जाएगा एट द रेट ऑफ 12 और फिक्स कॉस्ट आपका क्या हो जाएगा रुपीज 5000. सही है सुनो. दूसरा अपन ले सकते हैं, इसको बोलते हैं बी मेथड इज
वॉल्यूम रिलेटेड. वॉल्यूम रिलेटेड मींस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन प्रोडक्शन. चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन प्रोडक्शन. व्हाट इज द चेंज इन कॉस्ट? योर चेंज इन कॉस्ट इज 19400 माइनस 14600 डिवाइडेड बाय चेंज इन प्रोडक्शन इज 1200 माइनस 800. इट मींस 19400 माइनस 14600 इज 4800 एंड 1200 माइनस 800 इज 400. आपका पर यूनिट कॉस्ट क्या आ जाएगा? 12. ये आपका क्या हो जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. व्हाट इज योर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट? आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हो जाएगा 12. व्हाट इज द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ दिस? ओके, नाउ सपोज आपका टोटल कॉस्ट, आपका टोटल कॉस्ट दे रखा है एट 800 यूनिट्स. आपका टोटल कॉस्ट दे रखा है 8800 यूनिट्स इज 14600. नाउ दिस इंक्लूड्स वेरिएबल एंड फिक्स. वेरिएबल है आपका 800 इंटू 12 इज 9600. बैलेंसिंग फिगर इट मीन 14600 माइनस 9600 5000 विल बी फिक्स. सही है सर, नो परफेक्टली क्लियर हो नोट आपको? एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है आप मुझे बताइए. परफेक्टली आपको क्लियर हो रहा है. और इसमें ये थर्ड वाला नहीं लग सकता क्योंकि दो ही पॉइंट दे रखे ना. अगर दो से ज्यादा पॉइंट दे रखे तो हाई पॉइंट लो पॉइंट भी लग जाएगा करके. इज दिस क्लियर? इसका मतलब हर केस में आपका जो फिक्स कॉस्ट है वो कितना है? 5000. आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पे भी आपने निकाला था, आपको वही आंसर आया. यहाँ पे भी आपको देखो 12 रुपीज एंड ये 5000 है. सही है सुनो. अब नेक्स्ट में आपको लेके चलता हूं जॉइंट प्रोडक्ट में. अगर आपको देखना है, अगर आपने कॉमन एक्सपेंसेस इनकर्ड किए और उनको जॉइंट प्रोडक्ट में अगर आपको डिवाइड करना है तो आप कैसे करोगे? जस्ट यू रिफर योर क्वेश्चन नंबर 14 पेज नंबर 23. दिस इज फ्रॉम क्वेश्चन बुक. ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 14 एंड पेज नंबर 3.15 फ्रॉम सॉल्यूशन बुक. ये आपका क्वेश्चन बुक, ये आपका सॉल्यूशन बुक. सही है सुनो, परफेक्टली क्लियर होना बताइए. एकदम क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपको? ओके, क्वेश्चन नंबर 14 पेज नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्यूशन बुक में 3.15 है, 3.16 है, 15 दिस इज 3.16. सही है सुनो. एक एक पॉइंट आराम से धीरे धीरे समझिए फिर अपन डिस्कस करते हैं. ओके, ए कंपनी इज मेकिंग ए स्टडी ऑफ द रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द टू प्रोडक्ट्स ए एंड बी. इन एडिशन टू द डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट टू बी allocated between the two products are as under. Insurance charges for the inventory finished is 78,000. Storage cost 1,40,000. Packing and forwarding charges 7,20,000. Salesman salary 8,50,000. Invoice cost 4,50,000. Other details: product A, product B. Selling price 501,000. Cost per unit exclusive of indirect selling and distribution cost is 300, 600. Annual sales in units 10,000, 8,000. Average inventory 1,800. Number of invoices 2,500, 2,000. One unit of product A requires a storage space twice as much as product B. The cost to pack and forward one unit is the same for both the products. Salesmen are paid salary plus commission 5% on sales. An equal amount of effort are put forth on the sales of each of the product. 1. Set up a schedule showing the apportionment of indirect selling and distribution costs between the two products. Prepare a statement showing the relative profitability of two products. Set up a schedule showing apportionment of indirect selling and distribution cost
बिटवीन टू प्रोडक्ट्स। अपने पास कौन कौन से प्रोडक्ट हैं फ्रेंड्स, अपने पास टू प्रोडक्ट्स हैं ए एंड बी, और उनके कॉमन एक्सपेंसेस अपने को दे रखे हैं, इंश्योरेंस, स्टोरेज, पैकिंग, सेल्समैन सैलरीज एंड इनवॉइस कॉस्ट, एंड इनवॉइस कॉस्ट। अपन को इनको क्या करना है, इनको अपन को डिवाइड करना है बिटवीन ए एंड बी। तो पहले अपन फॉर्मेट बना लेते हैं। तो ये अपना था फ्रेंड्स एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स बिटवीन जॉइंट प्रोडक्ट्स। टॉप पे आप लिख लीजिए एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स, एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स बिटवीन जॉइंट प्रोडक्ट्स। ओके, अपने पास अपने को जॉइंट कॉस्ट दे रखा है और उसको अपने को ए और बी में डिवाइड करना है, बराबर। तो एक ओके, तो पहले अपन फॉर्मेट बना लेते हैं फ्रेंड्स। स्टेटमेंट शोइंग एलोकेशन ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और एक्सपेंस। स्टेटमेंट शोइंग एलोकेशन ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और एक्सपेंसेस। पर्टिकुलर्स, बेसिस ऑफ एलोकेशन, टोटल ए एंड बी, इट मीन्स ए बी, दिस इज योर टोटल, दिस इज योर बेसिस ऑफ एलोकेशन एंड दिस इज योर पर्टिकुलर्स। सही है, सुनो, स्टेटमेंट शोइंग एलोकेशन ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस। फर्स्ट इज ए इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का अपने को टोटल कॉस्ट दे रखा है 78,000। सही है सोना फ्रेंड्स, ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं। पर्टिकुलर्स, किस बेस पे हम लोग एलोकेट करेंगे, व्हाट इज द टोटल ओवरहेड ए एंड बी, एंड ऑल फिगर्स आर इन रुपीस, ऑल फिगर्स आर इन रुपीस। सही है सोना फ्रेंड्स, ऑल फिगर्स आर इन रुपीज। इंश्योरेंस चार्जेस 78,000, क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, इंश्योरेंस चार्जेस फॉर इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स के लिए हम लोग को इंश्योरेंस किसके ऊपर होता है, वैल्यू ऑफ गुड्स। अब फिनिश गुड्स की यूनिट्स आप रख रहे हो 1,800, एक का कॉस्ट है 300 एंड 600, एक का कॉस्ट है 300 एंड 600, इट मींस एवरेज इन्वेंट्री इनटू कॉस्ट पर यूनिट, एवरेज इन्वेंट्री इंटू कॉस्ट पर यूनिट। ओके, व्हाट इज द एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री इज 1,000 फॉर ए एंड बी, इट मींस 1,000। उसका कॉस्ट पर यूनिट क्या है, आपका कॉस्ट पर यूनिट है 300 इस टू 600 कॉस्ट पर यूनिट है और इन्वेंट्री है 800। इट मींस
3 लाख 4,80,000 क्या बोल रहे हैं अपने को फ्रेंड्स, एवरेज एवरेज इन्वेंटरी कॉस्ट पर यूनिट ओके इट मींस 78,000 डिवाइडेड बाय 7,80,000 इनटू 3 लाख विल बी 30,000 एंड रिमेनिंग 48,000 then you go storage cost. What is your storage cost? Storage cost is 1,40,000. अब स्टोरेज के क्या बोल रहा है, वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स ए स्टोरेज स्पेस ट्वाइस एज मच एज टू प्रोडक्ट बी, इट मींस एवरेज इन्वेंट्री इनटू स्पेस, इट मींस व्हाट इज द एवरेज इन्वेंट्री ए एंड बी, ए का है 1000 बी का है 800 बी का है 800 ओके तो 1000 इंटू 2 इज टू 800 इज टू 1 इट मींस 2000 इज टू 800 1,40,000 डिवाइडेड बाय 2800 इंटू 2000 इज 1,40,000 सही है, स्टोरेज कॉस्ट आपका क्या आएगा, स्टोरेज कॉस्ट आपका क्या है, इट मींस एवरेज इन्वेंट्री इनटू स्पेस दिस 1,40,000 1,00,000 ए को टू ट्वाइस चाहिए जगह तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, बी को खाली 1 चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया, पर्टिकुलर्स बेसिस ऑफ एलोकेशन टोटल ए एंड बी, ए बी दिस इज टोटल अमाउंट कंटिन्यू हा दिस इज बेसिस ऑफ एलोकेशन एंड दिस इज योर पर्टिकुलर्स, क्या बोल रहा है नेक्स्ट, स्टोरेज पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग, it means your third packing and forwarding ka de rakha 7,20,000 kiske upar jayega, kisko pack karenge, jo number of units hamare sold honge unko hum pack karenge, it means number of units क्या है आपके, इट मीन्स कितना सेल हुआ है 10,000 फॉर ए एंड 8,000 फॉर बी, ए एंड बी इट मीन्स 7,20,000 डिवाइडेड बाय 18,000 इंटू 10,000 इज 4,320 पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग, ठीक है पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग, देन सेल्समैन फोर सेल्समैन सब कुछ तो आपको प्रिंट करके मैंने दे रखा है, अब जरा यहां पे ध्यान रखिए, दिस इज इक्वल अमाउंट ऑफ एफर्ट्स इट मींस 1:1 व्हाट इज द सेल्समैन सैलरी is 850 divided by 2 is 425 and
425 सेल्समैन सैलरीज, सेल्समैन सैलरीज अपना क्या हो जाएगा 1:1। देन यू गो फॉर फ्रेंड्स योर इनवॉइस कॉस्ट, देन यू गो इनवॉइस कॉस्ट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इनवॉइस, नंबर ऑफ इनवॉइस। ओके, व्हाट आर द नंबर ऑफ इनवॉइस? 2500 and 4,500 divided by 4500, it means 2,50,000 and 2,00,000। Then last आपका है ये sales commission, sales commission 5% on sales, 5% on sales, कितना सेल हुआ है आपका? इट मीन्स 10,000 यूनिट्स, एक यूनिट का सेलिंग प्राइस है आपका 10,000 यूनिट, सेलिंग प्राइस है आपका 500 और उसका 5%। सही है सुनो, देन आपका सेल हुआ है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड 8,000 इंटू 1,000 इंटू 5%, इट मीन्स 10,500 इंटू 5% इज 10,000 इंटू सेलिंग प्राइस 500 इंटू 5% इज 2,50,000। Then 8,000 into 1,000 into 5% is 6,50,000। Say yes or no. Take the total. It means 78,000, right? Plus 1,40,000. Plus 7,20,000 plus 8,50,000 plus 4,50,000 plus 6,50,000 28,88,000 go individually, it means 30,000 plus 1,130,000 plus 4,00,000 plus 4,20,000 5,000, you take 30,000 for A plus 1,130,000 plus 4,00,000 plus 4,20,000 5,000 plus 2,50,000 plus 2,50,000 14,55,000। Last you take B का, it means 48 plus 40 plus 3,20,000 plus 4,25,000 plus 2,00,000 plus 4,00,000 14,33,000। This is the expenses between, this is the expenses between A and B. ये common expenses को हम लोग कैसे divide करेंगे? Because company के पास दो product है, joint product है, उनको indirect selling expenses, उनके and distribution expenses है, उनको company कैसे allocate करेगी? कौन कौन से expenses थे हमारे पास? हमारे पास कौन कौन से expenses थे? Insurance था, फिर storage था, फिर हमारे पास packing का था, सेल्समैन सैलरीज, इनवॉइस कॉस्ट, सेल्स कमीशन। ओके, ये आपका हो गया आंसर नंबर वन। दिस इज योर आंसर नंबर वन। क्या बोल रहा है? सेटअप ए शेड्यूल शोइंग, दिस इज योर आंसर नंबर छोटू वन। आंसर नंबर छोटू वन, सेटअप ए शेड्यूल शोइंग अपॉर्चमेंट ऑफ इनडायरेक्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बिटवीन द
टू प्रोडक्ट्स, प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, सिंपल है, आपको बताना है प्रॉफिट एंड लॉस। इट मींस आंसर नंबर टू, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस। ए बी एंड टोटल, राइट, ए सेल्स, कितना सेल्स है हमारे पास 10,000 यूनिट्स इनटू व्हाट इज द सेलिंग प्राइस 500 कम्स टू 50 लैक्स। ओके, 8,000 यूनिट्स, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 1,000 is 80 lakhs, 80 plus 50 is 1 crore 30 lakhs, okay, B cost of production 10,000, 8,000 cost per unit is 300 and 600 48 lakhs 30 lakhs 78 lakhs, right, then C selling and डिस्ट्रीब्यूशन, रिफर आंसर वन। आंसर वन अपन ने किया था कैलकुलेट, विल बी 14,55,000 फॉर ए, 1,767 फॉर बी। देखो जरा 1,455 फॉर दिस एंड सॉरी 1,433, इट मींस 1,455 प्लस 1,433 भी 2,888। प्रॉफिट एंड लॉस विल बी 545, 1,767, 23, 12. 50 lakhs minus 30 lakhs is a cost minus 14.55, 5,45,000. 80 lakhs sales minus 48 lakhs aapka cost minus 14.33, 1,767 plus 5.45 will be 23. ये आपका क्या रहा, जॉइंट प्रोडक्ट के अंदर अगर आपको जॉइंट प्रोडक्ट आपको दे रखे ए एंड बी, उनमें एलोकेट करना है तो कैसे करेंगे। ओके, अभी लास्ट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, बिटवीन सर्विस डिवीजन एंड योर प्रोडक्शन डिवीजन, सर्विस डिवीजन प्रोडक्शन डिवीजन में कैसे, वो भी काफी एग्जाम में आता है इस टाइप के, मैं आपका एक भी कंसेप्ट छोड़ नहीं रहा हूं, राइट, बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए। ओके, तो ये आपका था बिटवीन योर ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट ए एंड बी, कौन कौन से ज्वाइंट प्रोडक्ट थे ए एंड बी, और उनमें हम लोगों ने एक्सपेंसेस को एलोकेट कर दिया। सही है सर, परफेक्टली क्लियर होना बोलिए।